हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिव्या किचन। और आज आपको मैं बताने वाली हूँ सेवई बनाना। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप सेवई बना करके खा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ सेवई बनाने के लिए आपको क्या क्या सामग्रियों की आवश्यकता है। सेवई बनाने के लिए हमने 100 ग्राम सेवई ले लेंगे, आधा लीटर दूध, 10 ग्राम काजू, 10 ग्राम किशमिश, 10 ग्राम बादाम, 10 ग्राम छुआरे और 10 ग्राम पिस्ता, 4 से 5 इलायची, 1 कटोरी शक्कर, 1 बड़ा चम्मच घी। तो अब मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और उसमें दूध को डाल दिया है। गर्म होने के लिए दूध को चढ़ा दिया है और फ्लेम मीडियम रख दिया है। मैं दूध को इसमें अच्छी तरह से पका लेती हूँ। अब मैं एक पैन लेती हूँ और इसमें एक चम्मच घी को डाल देती हूँ। फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है। घी मेरा गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स एक एक करके डाल देती हूँ। लेकिन किशमिश को नहीं डालना है आपको। और इसे अब मैं चलाती हूँ और इन्हें लो फ्लेम में 5 मिनट तक फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हल्का ब्राउन हो चुका है और अब मैंने इसे सारे ड्राई फ्रूट्स को निकाल के रख लिया है। और जो ये बची हुई घी थी इसमें मैंने सेवई को डाल दिया है। मैंने अलग से घी नहीं लिया है क्योंकि पहले का घी बचा हुआ था। और इसे मुझे हल्का ब्राउन होने तक भून लेना है और मैं सेवई को भी लो फ्लेम में चलाती रहती हूँ, क्योंकि अगर मैंने फ्लेम को हाई कर दिया या मीडियम तो सेवई जलने लग जाएगी, क्योंकि सेवई बहुत ही जल्दी जलने लग जाती है। गोल्डन ब्राउन हो चुका है सेवई। अब ये दूध भी उबल चुका है और इसमें अब इस दूध में मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल देती हूँ। और इसे अच्छी तरह से दूध में मिला देती हूँ। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है और अब इसमें मैं शक्कर डाल देती हूँ। शक्कर आप अपने अनुसार, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा शक्कर डालिए और कम मीठा पसंद है तो कम शक्कर डालिए। और अब मैं इसमें अपनी ये फ्राई की हुई जो सेवई है उसे डाल देती हूँ। और इसे मुझे अब 5 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकाना है, इसलिए मैं ढक्कन ढक के 5 से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देती हूँ। ये देखिए 5 से 10 मिनट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि ये सेवई अच्छी तरह से पक चुकी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये सेवई बन करके तैयार हो गई। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।